गुड इवनिंग, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी को बहुत अच्छे होंगे। शाम का वक्त मिल रही हूँ आप लोगों के साथ और अभी टाइम हो रहा है करीब 6:20 हो गया गाइस, और पसीने से लथपथ होके अभी मिल रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। मैं कैंडल बना रही थी उस साइड, मैंने कैंडल बना रही थी, अभी जस्ट इधर आई हूँ और शाम का दिया बत्ती हो गया है। तो इबू को अभी मैंने दूध और नाश्ता दे दिया है खाने के लिए। शाम का वक्त अभी सो के उठी है, ट्यूशन नहीं भेजी हूँ गाइस और स्कूल भी नहीं गई थी, इतना दिन छुट्टी छुट्टी चला। बट कल से सडनली इसको फिर से बुखार आने लगा, तो हम लोग डॉक्टर के पास लेके गए थे। मैंने कल का पहले वाला रात से बुखार आने लगा था, तो हम लोग कल मैंने 15 अगस्त को हम लोग लेके गए थे डॉक्टर, इसलिए कहीं जाने नहीं हुआ, हम लोग कहीं नहीं गए, इबू के चलते घर में ही थे। तो डॉक्टर के पास से आने के बाद खाना वाना बनाते खाते रेस्ट करते, मैंने उसको देख के फिर कहाँ जाएंगे, नहीं तो प्लानिंग तो था घूमने उमने जाएंगे, तो नहीं जाना हुआ गाइस। और आज भी स्कूल हम लोग उसको नहीं भेजे हैं, जस्ट अभी वो अभी उठी है और नाश्ता चाय नाश्ता मैंने सॉरी दूध नाश्ता खा रही है। तो अभी मैं दियाबत्ती हो गया उस घर में पूरा फैला हुआ है, तो उस वाले रूम को मैं थोड़ा ठीक कर लेती हूँ सो के उठने के बाद। हाँ ओके, तो सो के उठने के बाद ये पूरा रूम फैला हुआ है गाइस, साथ में कपड़ा भी पूरा फैला हुआ है। तो अभी कपड़ा सबको मैं एक सा करूँगी और ये बेड चादर सबको और कपड़ा सबको अपना अपना जगह में सेट कर लूँगी टाई करके। तो चलिए फिर लग जाते हैं कामों में गाइस। आज है नेक्स्ट डे, तो आज है वेडनेसडे और मैं कल का ब्लॉग्स कंटिन्यू कर रही हूँ, कल शाम से स्टार्ट किया था मैंने ब्लॉग्स। तो यहाँ पर देखिए मैं केला का मोचा बना रही हूँ और यहाँ पर सुबह से मैं क्लीनिंग होने के बाद यही सब काम में लगी हूँ। तो चेंज वगैरह कर लिया मैंने नाइट ड्रेस सबको और मैं लेट से नहाने वाली हूँ आज, तो ये सबको क्योंकि टाइम लग जाता है। और हालांकि वो स्कूल नहीं जा रही है, तो मैं बहुत दिनों के बाद इसको मिला है राजीव को तो लेके आए थे। तो ये सबको बनाने से ना खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है बट टाइम चला जाता है। और यहाँ पर वो बैठे बैठे ड्राॅइंग सब कर रही है, अपना अपना ये सबसे बना रही है, सारा चीज़ फ़ोन में लगा के ली है अपना ड्राॅइंग सबको और सीख रही है वैसे, तो उसको भी ना बोर हो जाती है घर में रह रह के, तो ये सबको घर में रहने से ही सब करने लगती है। और मेरा हालत देखिए गाइस, तो मैं अभी खाना उना मेरा बन गया है, मैंने हाँ लिखते जाओ दूसरा अनदर पेज में। तो इबू स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसका तबीयत ठीक नहीं है, और मैं जस्ट आज कपड़ा चेंज कर लिया था मैंने और नहाया नहीं अभी तक गाइस। और मैं मुझको ना सुबह नाश्ता करने के बाद फिर से भूख लग रहा है, अभी टाइम हो रहा है 11:10 और मैं ना पोहे बनाई थी, तो पोहे यहाँ पर निकाल दी हूँ और मैं चाय बनाने बैठा दी हूँ। नानो डोंट बाइक नाखून राइट फास्ट। तो ई बुक यहाँ पे मैंने उसको फ्रूट्स एंड बिस्किट खा के और लिखने बैठ गई है, राजीव यहाँ पे खाने लगे हैं ये ड्यूटी जाने के लिए, तो खाना खा के निकल जाएंगे गाइस। तो मैं थोड़ा चाय बना लेती हूँ, कपड़ा भी भिंगाई हूँ बहुत सारा और कैंडल तो मैं बना ही रही हूँ, तो साथ साथ मैं कर रही हूँ गाइस दीपावली का तैयारी। तो मुझको अभी दूध का चाय थोड़ा सा पी लेने मिल कर रहा था, हेडेक हेडेक भी लग रहा है, तो अच्छा से कड़क के दर चाय पी के पहले सबसे पहले मैं कपड़ा धोऊँगी। कपड़ा धोने के बाद मैं करूँगी गाइस कैंडल तरफ क्लीन, जहाँ पे मैं कैंडल बनाती हूँ वहाँ पे थोड़ा क्लीन करना है मुझको। क्लीन करने के बाद मैं नहा धोवा करके फिर इबू के साथ थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और कैंडल बनाते भी जाऊँगी जितना सकूँगी, और इबू सोएगी तो मैं बनाऊँगी फिर से। और क्योंकि सॉरी बीच बीच में उधर चीज़ें डाल दे रही हूँ क्योंकि अभी टाइम नहीं, तो इसी टाइप से काम टाइम मैनेज करके काम कर रही हूँ, तो कैंडल भी बनाते जाऊँगी, सोएगी तो बनाऊँगी। और कल से स्कूल जाएगी इबू, तो थोड़ा रूटीन में आऊँगी अपना, क्योंकि घर में रहती है तो उतना काम भी नहीं हो पा रहा है, साथ साथ काम करना मैंने उसके साथ रहना पड़ रहा है, और अभी बड़ी हो रही है तो जो भी काम करती है उससे साथ साथ मेरी आने लग जाती है, तो उसके साथ फिर मैंने नहीं बन पाता है काम। तो यही है गाइस, फटाफट से चाय पीने के बाद थोड़ा पोहे खा लेती हूँ, फिर एनर्जी आएगा शरीर में, उसके बाद काम में लग जाती हूँ। फिर चलिए चाय पीते हैं, चाय बनाते हैं साथ से। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना चाय भी बिठा के रेडी भी हो गया है, और मैंने चाय पत्ती थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है क्योंकि मुझको थोड़ा सा सिर दुखने जैसे भी लग रहा है, गर्मी होगा शायद इसी के लिए शायद सिर भी थोड़ा भारी भारी लग रहा है, तो थोड़ा सा मैंने हैवी वाला चाय पीऊँगी। थोड़ा आंसर देखिए मेरा चेहरा का हालत, तो थोड़ा दवा ले लेती हूँ, तो क्योंकि चेहरा स्किन का है तो मैंने फेस में कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता है, तो जाती हूँ थोड़ा दवाई लेके आती हूँ, और दवाई से ठीक नहीं होगा उसके बाद डॉक्टर दिखाऊंगी।
ड्यूटी निकले मैंने निकल ही रहे थे तो मैं उसके साथ ना थोड़ा सा मैं बोली कि मुझको थोड़ा क्लिनिक लेके चलो, तो मुझको वही दवा सबके लिए लेके गए थे। तो आने के बाद मैंने यहाँ पे गैस वगैरह सारा क्लीन कर लेती हूँ गैस, खाना वगैरह तो मेरा बन गया है, तो किचन का सारा काम निपटाने के बाद आगे का दूसरा काम करूँगी। फाइनली मेरा किचन वगैरह सारा क्लीन हो गया है, तो मुझको अभी शांति लग रहा है गाइस। बर्तन वगैरह सारा मैंने धो के क्लीन कर लिया है। हे गाइस, तो अभी दिन थक गई, दिन का टाइम हो रहा है 2 और मैं आ गई हूँ कपड़ा सुखाने के लिए गाइस। सो गाइस, यहाँ पे मैंने कपड़ा भी धो के सुखा लिया है। गाइस नीचे आने के बाद मैं अपना लंच मैंने निकाल रही हूँ, इबू को मैंने खिला दिया है। तो यहाँ पे मैंने अंडा बॉईल कर लिया है, करेला आलू का भाजी बना लिया है, ये केला का मोचा और ये सोयाबीन आलू का झोल। तो चलिए फिर लंच करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सो गाइस, मैं इबू को जस्ट चुला के आई हूँ और अभी थोड़ा जाती हूँ कैंडल बनाने के लिए, रेस्ट हो गया मेरा भी। और हाँ गाइस, मैं ना इबू का रिजल्ट आप लोग को नहीं बताई थी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम का, तो कन्वर्सेशन रिटर्न एग्जाम सबका मैंने आना बाकी था, तो कल हम लोग को मैंने मिला, आज सुबह मिला, तो आज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। बट आशा तो नहीं था क्योंकि इबू घर में कर लेती है बट स्कूल में लिखने नहीं मानती है, बोल रही थी मैम। तो फर्स्ट एग्ज़ाम इंग्लिश में भी उसको लिखना नहीं था, सब चीज़ आ रहा था फिर भी नहीं लिखी थी जाके। तो और जीके में तो कुछ भी नहीं लिखी है, मैम बोल रही थी उसको क्वेश्चन आ रहा है, आंसर भी बता रही है बट वो नहीं लिखूंगी बोल के रो रही थी। मैंने 9 मिला है उसको जीके में फेल। तो बट हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो राजीपुर में प्रिपेयर ही थे कि अगर नहीं कर पाएगी इस बार तो मैंने उसको फेस करना ही तो बड़ी बात है ना, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में। तो हम लोग ऐसे ही छोड़ दिए थे बट अच्छा ही की है गाइस रिजल्ट। और हम लोग सबसे बड़ी बात को रिटर्न एग्ज़ाम में मैंने राइम्स तो बोल लेती है, कर लेती है, बट हम लोग को डाउट था कि वो कन्वर्सेशन में क्योंकि वो ज़्यादा बोलती नहीं है, थोड़ा इबू हम लोग की साई नेचर की और वो थोड़ा मिलने गुलने में थोड़ा उसको टाइम लगता है। तो मैम बोल रही थी कि ज़्यादा नहीं मिलती है, तो हम लोग को ही टेंशन कर रहे थे कन्वर्सेशन में 0 ही मिलेगा, बट अच्छा से की और मैम बोल रही थी उसका प्रोनाउंसेशन सब इतना अच्छा है, थोड़ा सा बड़ी होकर वो करने लगेगी ना तो अच्छा करेगी, उसका स्पेलिंग सब भी बड़ा स्पेलिंग सब भी मिस्टेक नहीं करती है वैसे बोल रही थी मैम। और लिखती भी अच्छा ही है, हम लोग की वो हैंड राइटिंग भी अच्छा ही है बट बीच में अभी थोड़ा बिगाड़ रही, स्कूल जाने के मैंने स्कूल जा रही एक्चुअली 5 पीरियड में लिखना होता है तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में तो होता है, बट घर में लिखती है तो बहुत अच्छे से लिखती है, स्कूल में तब जल्दी जल्दी करना होता है। तो एनीवे गाइस, हम लोग की बुक का रिजल्ट आया है, 61% हुआ मैंने लाई है और फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फेस किया, तो हम लोग को कोई मैंने फेल भी होने से प्रॉब्लम नहीं था, एक बार फेस करो और ख़ुद से सीखो, इस टाइप से हम लोग प्रिपेयर थे राजीव के साथ। बट अच्छा किए है तो मैंने क्या बोलेंगे, फर्स्ट टाइम फेस की एक्चुअली उसको आइडिया हुआ वही बड़ी बात है हम लोग के लिए, और अभी नेक्स्ट टाइम आई होप उससे भी और अच्छा करेगी। तो ये है गाइस, हम लोग का रिजल्ट आया है तो की है ही वो, तो मैं आप लोग को ही बता रही हूँ। तो क्या करें, ज़्यादा प्रेशर करके भी फ़ायदा नहीं है किसी को, मैंने बच्चे लोग को हम लोग को पता है वो घर में कितना से सब पढ़ती है, बट हाँ स्कूल में उसको थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ एक साथ नहीं होता है, कोई बच्चा होता है जल्दी घुल मिल जाता है, कोई बच्चा हर एक बच्चा तो जैसे हर एक इंसान एक सा नहीं होता है, तो बच्चे लोग भी एक सा नहीं होगा, सब भी कोई एक जैसे नहीं होगा। तो हम लोग की इबू को थोड़ा मिलने घुलने में टाइम लगता है इतना पता है, अगर यदि वो करने लगेगी अच्छा से तो मुझको पता है वो कितना बेस्ट करेगी स्कूल में रिजल्ट वगैरह। तो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम में वो फेस की है तो आई होप अच्छा, मैंने आई होप उसको समझ अभी और समझ में आ रहा है, उसको बोलती है मैं ऐसे ऐसे लिखना है ऐसे ऐसे लिखना है, और हम लोग घर में भी उसी टाइप से इस बार प्रिपेयर कराएंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए और अच्छा करेंगे। नेक्स्ट मंथ से ही है गाइस, 19 तारीख से है सितंबर, तो उसके लिए भी बीच में तो बीमार थी, पढ़ाने लिखाना कुछ हुआ नहीं, तो इस सप्ताह से फिर मंडे से स्टार्ट करना पड़ेगा अपना रूटीन अच्छा से, ई बुक को कराना पड़ेगा। तो यही था गाइस, हम लोग का ई बुक का रिजल्ट भी आ गया है और हम लोग को अच्छा लगा देख के, हम लोग तो फेल हो जाने से भी क्योंकि मेन भी कैसे नंबर देगी, मैम बोल रही उसको प्रोनाउंसेशन सब इतना कन्वर्सेशन बोल रही इतना अच्छा लगा उसका सुन के, ए पाई है कन्वर्सेशन में और रैम्स में भी पाई है सब मिला जुला के, मैंने अगर वो जीके लिखती तो मैं उसका परसेंटेज और अच्छा होता, पर वो जीके लिखी नहीं है जीके एग्ज़ाम और मॉरल साइंस भी उतना अच्छा वो नहीं की है। तो ये सब के लिए गाइस हम लोग का
थोड़ा कम आया है अभी परसेंटेज, बट परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है मुझको अभी, उसको फेस करके वो सीख रही, आइडिया हो रही, हम लोग के लिए हुई बड़ी बात है। और अभी तो कौन सा एज निकल गया, अभी तो सीखने का टाइम है, लोकल लर्निंग टाइम है, तो अभी आगे जाके सीखते जाएगी, तो यही है। और अच्छा लगा गाइस, काफ़ी अच्छा लगा, तो यही था। तो चलती हूँ मैं कैंडल बनाने के लिए, फिर मिलते हैं रुक के आप लोगों के साथ। मैं यहाँ पे 1.5 घंटे बाद मिल रही मैं आप लोगों के साथ, और सो के उठ गई इबू, अभी ट्यूशन जाने की तैयारी चल रहा है। तो मैं यहाँ पे दूध गर्म कर ले रही हूँ, और वहाँ पे मैं चिल्ला बना रही हूँ, आटे का चिल्ला बना दूँगी। छोड़ने के बाद मैं सबसे पहले जाती हूँ थोड़ा सा छत, और छत में जा रही हूँ क्योंकि थोड़ा ब्लैंकेट भी सूखा नहीं था तो मैं छोड़ के आई थी, प्लस थोड़ा सा अपने को भी फ्रेश लगता है थोड़ा शाम को ऊपर जाने से, आके फिर कैंडल का काम करूँगी। तो चलिए फिर लेके चलते हो आप लोगों को भी। तो मैं अभी रात का टाइम हो रहा है, मिल रही हूँ अभी 9 बजे से, जस्ट हम लोग प्रेयर मैंने फिनिश किया, और ये अंकल ने ला दिया है ये साग, तो राजीव को खाना, ये मूली और मूली का साग दार्जिलिंग से, तो राजीव को खाना है। इसको साग देख के ना, हालांकि रात को साग नहीं खाना चाहिए बोलते, बट इसको बोल रहा है कि बना दो, तो मैं अभी साग बनाने जा रही हूँ, उसके बाद हम लोग का डिनर होगा गाइस। देख के तो हमको भी पूरा खाने मन के कर रहा है, क्योंकि साग मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और उसमें ताज़ा दार्जिलिंग का तो ऑर्गेनिक मिलता है उधर से, तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ साग, मूली का साग, उसके बाद डिनर होगा। ये भूखा लग